टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जिले में फूटा कोरोना बम, जांच के लिए गए सैंपल में 10 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में 10 नए मरीजों की हुई पुष्टि। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में हुई 12। पहले दो अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में मिले थे दो मरीज। 10 नए मरीजों में मिला है कोरोना पॉजिटिव, वो सभी जिले के गंगा पब्लिक स्कूल में है क्वारंटीन। आम जनमानस से नहीं हुआ इनका कोई संपर्क। नाला सुपारा से पैसा कौड़ी ना ही रहा, कर्जा कुआं में लेके आवा गया है। सरकार ने पैसा भी लिया है टिकट का, बोले तो छूट रहे हैं, अब बोल रहे थे कि फ्री में ले जाएंगे और हम लोग से पैसा भी लिए हैं। जितना पैसा था सब खर्चा हो गया, इनसे उनसे आते आते एक रुपया भी खीसे में नहीं है। और सरकार ने पैसा भी ले लिया, बोल रहा था कि छूट रहेगा, छूट भी नहीं किया। कहाँ कहाँ से हम लोग घूम घूम के आए, दौड़ते दौड़ते तो थक गए। खाना पीना कुछ भी नहीं मिला, भूखे प्यासे अभी तक पड़े हैं। टिकट का पैसा लगा 740 रुपये टिकट पैसा लिया गया है। वहाँ टिकट का पैसा लिया गया, फिर हम लोग को लाए ट्रेन में बैठाया गया। उसके बाद में खाना पीने का व्यवस्था फ्री था, हम लोग को लाए गोरखपुर उतारे, वहाँ से बस में बैठा यहाँ लाए। मगर क्या करें, हम लोग मजबूर थे, वहाँ खाना पीने का बहुत व्यवस्था हम लोग के पास था नहीं। कुछ भी खर्चा पानी अपने जेब में बटोर के रखे थे, वही पैसा दे टिकट कर देती है। क्या हम लोग के पास मतलब बहुत मुसीबत था, मतलब कैसा आना था गाँव, इसलिए टिकट का पैसा देना पड़ा। क्या कर सकते हैं। राम खलावन गुप्ता, मुंबई से आ रहा हूँ, नाला सुपारा से। हाँ तो यही बात है कि मतलब केंद्र सरकार मतलब हम लोग से पैसा लिए टिकट के 740 रुपये। पैसा वैसा था नहीं, लेकिन किधर से व्यवस्था करके उसको पैसा दिए, फिर उसके बाद में टिकट दिया, टिकट दे के फिर आया घर पे। और क्या।